इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सोनिया गांधी ने रायबरेली की जनता को ओपन लेटर लिखा है। सोनिया गांधी ने कहा है कि रायबरेली से रिश्तों की जड़ें बहुत गहरी हैं। सोनिया गांधी ने इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी को भी याद किया अपने लेटर में। सोनिया ने लिखा है कि पिछले दो चुनाव में आप चट्टान बनकर मेरे साथ रहे, बढ़ती उम्र के चलते इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाऊंगी। इसके अलावा सोनिया गांधी ने संसदीय क्षेत्र के लोगों से जल्द ही मुलाकात का वादा भी किया। आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने अपने पत्र में लिखा है, मेरा परिवार दिल्ली में अधूरा है, वो रायबरेली आकर आप लोगों में मिलकर पूरा होता है। ये नेह नाता बहुत पुराना है और अपनी ससुराल से मुझे सौभाग्य की तहत मिला है। रायबरेली के साथ हमारे परिवार के रिश्तों की जड़ें बहुत गहरी हैं। आजादी के बाद हुए पहले लोकसभा चुनाव में आपने मेरे ससुर श्री फिरोज गांधी जी को यहाँ से जिताकर दिल्ली भेजा। उसके बाद मेरी सास श्रीमती इंदिरा गांधी जी को आपने अपना बना लिया। तब से अब तक ये सिलसिला जिंदगी के उतार चढ़ाव और मुश्किल भरी राह पर प्यार और जोश के साथ आगे बढ़ता गया और इस पर हमारी आस्था मजबूत होती चली गई। इसी रोशन रास्ते पर आपने मुझे भी चलने की जगह दी। सास और जीवन साथी को हमेशा के लिए खोकर मैं आपके पास आई और आपने अपना आंचल मेरे लिए फैला दिया। पिछले दो चुनाव में विषम परिस्थितियों में भी आप एक चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े रहे, मैं ये कभी नहीं भूल सकती। ये कहते हुए मुझे गर्व है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी बदौलत हूँ और मैंने इस भरोसे को निभाने की हर दम कोशिश की है। अब स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र के चलते मैं अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी। इस निर्णय के बाद मुझे आपकी सीधी सेवा का अवसर नहीं मिलेगा, लेकिन ये तय है कि मेरा मन प्राण हमेशा आपके साथ रहेगा। मुझे पता है कि आप भी हर मुश्किल में मेरे और मेरे परिवार को वैसे ही संभाल लेंगे जैसे अब तक संभालते आए हैं। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह, जल्द मिलने का वादा।